मेवात जिले में रमजान के महीने में जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 7 घायल, 2 की हालत नाजुक, ट्रैक्टर से रौंदा, महिलाओं की सोने की हांसली भी खींच ले गए आरोपी। आपको क्या है सच्चाई जो शिकायत दी गई है, हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आपको बता दें कि पिनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फलेणी गांव में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर खून खराबा हो गया। एक पक्ष के लोगों ने लाठी, डंडा, फरसा इत्यादि से लैस होकर दूसरे पक्ष के लोगों को पहले तो बुरी तरह से मारा और बाद में ट्रैक्टर से भी कुचल दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी जाते जाते महिलाओं की सोने की हांसली लेकर भी फरार हो गए। पुनहाना नगीना मार्ग पर साहा चोखा गांव के समीप हुए झगड़े को देखने के लिए घटना स्थल पर भारी भीड़ जुट गई। झगड़े की सूचना पाकर पिनगवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए पुनहाना सरकारी अस्पताल तथा नलहड़ मेडिकल कॉलेज में भिजवाया गया। पुलिस के पहुंचने के बाद ही जैसे तैसे मामला शांत हो गया। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। 7 घायलों में 2 की हालत भी अभी भी गंभीर बनी हुई है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल मेवात सिटी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार रफीक पुत्र मोहर खान निवासी फलैंडी ने पिनगवा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि जमीनी विवाद को लेकर उनके भाई इकबाल, रेशमी खातूनी, जुनैद, हारूनी, साइना इत्यादि की यूसुफ, जुबैर, अताउल्ला, साहिब, यूनिस इत्यादि ने लाठी, फरसा इत्यादि से पहले तो पिटाई की और उसके बाद जब इससे भी मन नहीं भरा तो ट्रैक्टर तक चढ़ा दिया गया, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे तैसे लोगों को बचाया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि तबंगों ने जाते समय महिलाओं की सोने की हांसली तक खींच ली गई और कहा कि इस बार तो तुम बच गए हो, अगली बार तुम्हें किसी कीमत पर भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर फलेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए इस खूनी संघर्ष के मामले में पिनगवा पुलिस ने यूसुफ, जुबैर, अताउल्ला साहेब, यूनिस सहित तकरीबन दर्जन भर लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आप देख रहे हैं अपने शहर का मेवात सिटी न्यूज चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 21 को फलेंडी गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर आपस में खेतों पर झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के 7 व्यक्तियों को चोटें आई थी, 2 व्यक्तियों को गंभीर चोटें हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज करके और दर्ज कर दिया गया है और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, क्या क्या कार्रवाई? 12 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें 148, 149, 323, 324, 379 बी, 506 IPC धारा लगाई गई हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है।